जब राजकुमार ने महफिल में उड़ाया बीग बी का मजाक। जब राजकुमार ने महफिल में उड़ाया बीग बी का मजाक। जानी ये राजकुमार है जिनकी बेबाकी और एक्टिंग की दुनिया दीवानी है। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार ऐसे अभिनेता हैं जो अपने अभिनय के साथ साथ आवाज और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। राजकुमार अब तक 60 से भी अधिक फिल्में कर चुके हैं। राजकुमार की वक्त पाकीज़ा सौदागर तिरंगा अनेक फिल्में ऐसी है जिसे लगभग सभी ने देखा होगा। राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध सभी के दिलों के जानी वास्तव में कुलभूषण पंडित थे, जिन्होंने मुंबई में आकर पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की नौकरी की। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद उन्होंने अपना नाम राजकुमार रख लिया। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार एक पार्टी में थे, तभी राजकुमार ने बिग बी के कपड़ों की तारीफ की जो विदेशी थे। इस पर बच्चन ने उन्हें बताना चाहा कि कपड़ा कहाँ का है, पर इतने में राजकुमार उन्हें फिर बोल पड़े, दरअसल मुझे कुछ पर्दे सिलवाने थे। राजकुमार की यह बात सुनकर अमिताभ बच्चन समझ गए कि राजकुमार उनका मजाक उड़ा रहे हैं, पर बिग बी मुस्कुरा कर रह गए और कुछ न बोल पाए। बिग बी जानते थे कि राजकुमार फिल्मों में जिस अंदाज में बेबाक अभिनय करते हैं, वैसे ही वो बेबाक रियल लाइफ में भी हैं। बॉलीवुड में कोई भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानता, सभी जानते हैं कि वो बेबाक बोल देते हैं। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार के ऐसे ही न जाने कितने किस्से उनकी रियल लाइफ के हैं जो उनकी बेबाकी को दर्शाते हैं। राजकुमार के हुनर के न केवल दर्शक कायल थे, बल्कि बॉलीवुड में लोग उनके हुनर का लोहा मानते हैं। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार कश्मीरी पंडित थे जिनका जन्म बलूचिस्तान में हुआ था। राजकुमार के बहुत से अलग अलग किस्से हैं। शादी के मामले में भी उन्होंने एक फ्लाइट अटेंडेंट से शादी की। फ्लाइट अटेंडेंट जेनिफर से मुलाकात के बाद ही प्यार हो गया, फिर क्या था, शहनाई बज गई। शादी के बाद जेनिफर ने भी राजकुमार की तरह अपना नाम बदल कर गायत्री रख लिया। वैसे तो राजकुमार ने अपने कैरियर की शुरुआत रंगीला से की, लेकिन फिल्म नौशेरवा आदिल ने उन्हें स्टार बना दिया। राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी है कि उनके कई डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबान पर है।